नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह हमें सुझाती है सभी के बैठिए, यह हमें सुझाव देती है विद्यार्थियों को कक्षा के वातावरण से बाहर निकाल करके बाहरी वातावरण से जोड़ना। अर्थात हमारे जो पूर्व में 86 की जो शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा रटने पर जोर दिया जाए, और जैसे हमारा एनसीएफ 2005 और आरटी में इस सब में उल्लेख किया है, विद्यार्थियों को रटंत विद्या से मुक्त करा करके उनमें समझने की कला को विकसित किया जाए अधिक से। प्राचीन काल से चला आ रहा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए माध्यम गुरु के पास में विद्यार्थी बैठ करके जो भी बताया जाता था उसे कंठस्थ करते थे। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ ही होता है पास में बैठना। शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता था विद्यार्थी उसे कंठस्थ कर लेते थे। उपनिषद काल से चला आ रहा है। हमारे आपके भी अध्ययन काल में था अधिक से अधिक याद करा लेते। उसका एक उदाहरण, जब मैं कक्षा छठवीं में था भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद किया था। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास सब व्यक्ति कर्म राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इधर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अध्ययन और आत्मार्पित करते हैं। वर्तमान में ये कहा जाता है कि विद्यार्थियों को ये जो पूरी प्रणाली थी याद करने की प्रणाली कहीं न कहीं शिक्षा से दूर ले जा रही है। रुचिकर बनाना, पाठ को रुचिकर बनाना जहां तक जितना हो सके। हमें कक्षा में चर्चा करना है बीमारियों के बारे में। बहुत से विद्यार्थी जो उपस्थित है उनमें से जो अनुपस्थित है क्यों नहीं आया, क्या कारण हो सकता है, कोई बोलेगा कि सर उसे बुखार है। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बुखार क्यों आता है सहज एक उत्तर प्राप्त होता है इनके द्वारा, सर मलेरिया, मलेरिया हो जाती है बुखार आता है। मलेरिया क्यों होती है, मच्छरों के काटने से होती है। मलेरिया के बारे में डोनाल्ड राफ ने 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। डोनाल्ड राफ के पिताजी सेना में कर्नल थे और उन्होंने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन उनकी रुचि ज्यादा से ज्यादा कहानियों को पढ़ने में, कविताओं को लिखने में, गीत गाने में हुआ करती थी। उनके समय में मलेरिया बहुत ज्यादा था। उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि यह दलदली क्षेत्रों में ज्यादा हो रही है और ऐसा अनुमान लगाया कि कोई ऐसी विषाक्त गैस निकलती है उसके कारण हो सकता है। रुनाल्ड राफ ने अपने गुरु जी के द्वारा सुना कि हो सकता है कहीं मच्छरों के द्वारा न फैलती हो। इसके प्रयोग के लिए रुनाल्ड राफ मच्छरों को पकड़ने के लिए बोतल को लेकर के दौड़ते थे। उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो मच्छर होते थे अलग अलग बोतल में बैठ भरते थे, उनको रखते थे। अब प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को मच्छरदानी के अंदर रखते थे, अलग अलग जो है तो चारपाई में मच्छर लाइन लगाए और उन्हें बैठाते थे और कुछ उन्हें पैसा भी दिया जाता था इसलिए प्रयोग करना। फिर अलग अलग जो मच्छर होते थे तो उनसे उनका रक्त चुसवाते थे कि किसको किस तरह से कैसा होता है नहीं होता है। और फिर इस प्रयोग को करने में सुबह से शाम तक माइक्रोस्कोप पे जब आंख रख करके देखते थे तो उनकी आंखें शाम तक में सूज जाती थी, गर्दन टेढ़ी हो जाती थी और बहुत कष्ट होता था। फिर एक प्रकार का उन्होंने मच्छर पाया
जिसके पेट में अलग तरह से कुछ काले काले धब्बे थे, और जब उनका परीक्षण किया उसको माइक्रोस्कोप में देखे तो उन्हें लगा कि यह इसका रूप रंग आकार उसी तरह से है जिस तरह से मलेरिया वाले जिसको मलेरिया हो जाता है उसके खून में दिखाई देता है। और यह जो मच्छर है तो इसके जो पंख हैं अलग अलग जो है तो धब्बेदार हैं, और हो सकता है कि यही तो मादा एनिफिस मच्छर को पकड़ने के लिए, मादा एनिफिस जो मच्छर होता है उससे मलेरिया होती है, उन्होंने इतना सारा प्रयोग किया तब जाकर कहीं पकड़ में आया। और इस कार्य अभूतपूर्व कार्य जो अविस्मरणीय कार्य मलेरिया की खोज में उनका योगदान था इसके लिए सन 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में उनकी मृत्यु हुई। अपने मृत्यु के समय तक वो यही कहते रहे कि मैं कुछ ढूंढ ही लूंगा और नया ढूंढ लूंगा। ये होता है काम करने के प्रति लगन। अब इतनी बात हम बच्चों को बताने जा रहे हैं तो उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ते जोड़ते कैसे होता है मलेरिया, वहां पर आसपास मच्छर होंगे, मच्छर क्यों पनपते हैं, अर्थात उनके वातावरण से जोड़ते। वास्तव में हमारा जो ये पर्यावरण अध्ययन है कक्षा 3 से 5 तक अलग एक विषय के रूप में आया। कक्षा 1 और 2 में इसे हिंदी विषय के साथ समाहित किया गया। फिर कक्षा जब 6 में विद्यार्थी जाते हैं तो दो भाग में विभाजित हो जाता है। एक भाग हो जाता है सामाजिक विज्ञान का और एक शुद्ध विज्ञान का। तो पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंट। कोई स्पेलिंग बता सकते हैं इसमें एनवायरमेंट की? E-N-E-V-I-R-O-N-E-M-E-N-T environment। ये जो environment है environment ये फ्रेंच का शब्द है। Environment तो फ्रेंच का है और इसका अर्थ होता है आसपास, हमारे आसपास। और हिंदी में भी इसे पर्यावरण बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ होता है हमारे चारों, हमारे चारों, अर्थात हम चारों ओर जिससे ढके हुए हैं, हमारे चारों ओर जो आवृत्ति है, पास है, हमारे चारों ओर जो आवृत्ति है, हम जो चारों ओर ढके हुए हैं उसे पर्या बोलते हैं, परि बोलते हैं। आवरण होता है ढकना। अपने चारों ओर किन चीजों से? गैसों से ढके हुए हैं, ठीक। और चलिए ठीक, गैसों से ढके हुए अर्थात हमारा वायुमंडल, ठीक। चारों ओर का आवरण में और हम देखेंगे तो जल मंडल, स्थल मंडल, ये 3 तो हमारे मंडल हो गए, मुख्य संगठक, इसको बोलते हैं पर्यावरण के मुख्य संगठक, बोलते हैं कंपोनेंट, लिख लीजिए पर्यावरण के मुख्य संगठक।